आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। श्रीनगर के जीवन में आतंकी हमला, पुलिस की बस पर आतंकियों की फायरिंग, हमले में 2 जवान शहीद, 12 घायल। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, स्कूल खोलने पर भी दिया जवाब। मिशन काशी पर पीएम मोदी, क्रूज से रविदास घाट पहुंचे पीएम मोदी, 6 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल। भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया स्मार्ट, डीआरडीओ ने दी जानकारी। ईडी ने पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनकी पत्नी पर कसा शिकंजा, जब्त की करोड़ों की संपत्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर में अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि मिर्जापुर के राजगढ़ स्थित किसान इंटर कॉलेज में 15 दिसंबर को अपना दल कमेरावादी ने कमेरा अधिकार रैली का आयोजन किया है। आगे कहा कि कमेरा समाज को जागृत करने और उसमें ऊर्जा भरने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। अपना दल कमेरावादी वंचित समाज के हितों के लिए सदैव संघर्ष करता रहता है। जाति जनगणना और कमेरा समाज के नेता अपने पिता सोनेलाल पटेल के मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय नेता पल्लवी पटेल कर रही है, वो 6 महीने के बच्चों के साथ लेकर प्रदेश में 2200 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। राष्ट्रीय नेता से शुरू से ही कमेरा समाज के हितों को लेकर संघर्ष करता रहा है। बता दें कि रैली की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नेता पल्लवी पटेल होंगी। किसान इंटर कॉलेज राजगढ़ में मरिहान विधानसभा क्षेत्र मिर्जापुर जिले में कमेरा अधिकार रैली का आयोजन पार्टी के तत्वाधान में, अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में 15 दिसंबर को होने जा रहा है। कमेरों को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए जो हमारे पार्टी नेतृत्व ने पहले आंदोलन चलाए हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में और ऊर्जा भरने के लिए रैली का आयोजन हो रहा है। हम आपको बता दें कि जातिवाद जनगणना जैसी मुद्दों को हमारी पार्टी प्राथमिकता से उठाती रही है। डॉक्टर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में डॉक्टर पल्लवी पटेल जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो 6 महीने के बच्चे को लेकर जातिवाद जनगणना को लेकर के पूरे प्रदेश में 2200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। किसानों के अधिकार, समान शिक्षा नीति, ये सब हमारे मूल मुद्दे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। देवरिया के विधानसभा रामपुर कारखाना क्षेत्र के कोटवा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रोजेक्ट टीवी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जन जन को सुनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता मुक्तिनाथ त्रिपाठी ने किया। भाजपा नेता मुक्तिनाथ त्रिपाठी ने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट लगाने का उद्देश्य लोगों को विकास के लिए जागरूक करना है। पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की एक एक उपलब्धियां गिनाना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास का कार्य किया है वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आज जो है प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट जो था काशी विश्वनाथ कार्य, वह जो है जनता को समर्पित किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के और प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां उपस्थित थे। बाबा विश्वनाथ का सहारनपुर पुलिस को 24 घंटे में एक तीसरी बड़ी कामयाबी मिली है और इस बार थाना कुतुबेश्वर पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कार्रवाई के दौरान गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए चोरों के पास से एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस और 2 धारदार चाकू बरामद हुआ है। पुलिस की निशानदेही पर चोरी किए गए 11 मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने एक वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है, इसमें 3 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई है,
मोटरसाइकिलें कुछ यहाँ से चोरी की हुई है, कुतुबशहर थाना क्षेत्र की, कुछ अम्बाला जो पड़ोसी जनपद है अम्बाला से चोरी की है, और कुछ उत्तराखंड की भी बताई जा रही है। इसमें अभी तीन चोर जो और हैं। रायबरेली में महिलाएं खुलेआम कुछ लोगों की रोड पर पीटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सलोन में पोस्ट ऑफिस के सामने एक सरकारी अध्यापक जो इस समय जगतपुर के जूनियर हाई स्कूल में तैनात है, वह फल खरीदने के लिए सलोन आया था। इसी दौरान महिला की गाड़ी अध्यापक के पैर पर चढ़ गई। इसी के बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पिटाई के दौरान लोगों को भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सुल्तानपुर में हफ्ते भर में पूर्व सहकारी समिति के सैकड़ों बोरी डीएपी चोरी का पुलिस के आज खुलासा कर दिया। चोरी के 53 बोरी डीएपी खाद के साथ पुलिस ने 8 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 3 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पकड़े गए चोरों ने 7 प्रतापगढ़ और 1 प्रयागराज का बताया जा रहा है। पकड़े गए बदमाशों में आदित्य पटेल सहित कई लोग रहे। फिलहाल पकड़े गए 2 बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रह चुका है और शातिर बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। की रात्रि में डीएपी खाद की चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 279 बोरी खाद चुरा ली गई थी। इस घटना का अनावरण करते हुए जनपद प्रतापगढ़ से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कोतवाली नगर और रानीगंज थाने के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से 53 बोरी खाद तथा घटना में प्रयुक्त जो वाहन है, तालों को खोलने की चाबी और उसके साथ जो हथौड़ा उपयोग में लाया गया है। अब खबर और ऐसे है, यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीन पर उतरकर भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाने के लिए एकजुट होते नजर आ रहे हैं। साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर नए नए सदस्यों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। जिले में शहर में पूर्व विधायक डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर की तरफ से सदस्यता शिविर लगाकर सैकड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ सदस्यता दिलाई गई, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर संगठन मजबूत करने के लिए अपील भी की गई। इस दौरान सदस्यों ने भाजपा को मजबूत करने का संकल्प लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो प्रताप फैल रहा है, जो देश में चारों ओर तरक्की चल रही है, हाईवे बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन की रूपरेखा बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर की रूपरेखा बन रही है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, बंदरगाहों का काम चल रहा है, भारतमाला योजना चल रही है, तमाम योजनाएं यहां पे बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में जो प्रदेश में तरक्की हुई है, उसके हवाले से हम लोग आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इस गौरव गाथा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी। मथुरा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने बूथों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में मथुरा के नरसी विहार फेज 3 स्थित समाजवादी कार्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव महिला सभा अनिता यादव रही। समाजवादी पार्टी की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष महिला सभा डॉक्टर साधना शर्मा मुख्य अतिथि, सपा महासचिव महिला सभा अनिता यादव का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान सपा महासचिव महिला सभा अनिता यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल दिखावा कर जनता को गुमराह कर रही है। आज खेतों में उद्योगपति और सड़कों पर मजदूर और किसान खड़े हुए हैं। मैनपुरी के कस्बा बेवर के छिबरा मऊ रोड स्थित एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 5 लाख से अधिक की नकदी व भूषण और घरेलू सामान चोरी कर लिया। कहा जा रहा है कि परिवार के लोग एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए थे। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में भय व्याप्त है। कुछ दिन पहले नवीगंज क्षेत्र में भी लगातार 3 चोरी की वारदातें हो चुकी थी। चोरी में नकदी और आभूषण और अन्य घरेलू सामान भी चोर चुरा ले गए। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग की है।
सर हमारे यहाँ चोरी हुई है, हम लोग थे नहीं यहाँ पर, हम लोग हमारे सड़ भाई के यहाँ शादी थी, वहाँ थे हम लोग। जब सुबह 5 बजे आए तो देखे सब ये घटना जो है, ताले फाले टूटे टाटे थे, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आके घटना स्थल पर अपने जांच करके चली गई और उसमें हमारा 3.5 लाख नकद हमारा खुद का था, 1.80 हमारे साले का था और 2 चैन और 1 जेंट्स, 1 लेडीज अंगूठी, 2 तोड़ियाँ, 1 पेंडल और कपड़े, रजाई, गद्दा, सरसों का तेल, ये सारा सामान, जूता चप्पल और मैं जूता चप्पल जो भी था हमारा कल ही में लाया था, नाइक के जूते, वो सारे सब। दिल्ली से लापता युवती का शव फरीदाबाद में शव मिला है। बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती दिल्ली के आनंद पर्वत में रहने वाली थी जो बीते 10 दिसंबर से लापता थी। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। पुलिस के मुताबिक युवती के दुपट्टे से गला घोट कर युवती की हत्या की गई थी। मृतका की मां और बहन ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने सही समय पर सही कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उनकी बेटी के साथ ये घटना घटी है। शुक्रवार की शाम से 7 बजे से गायब है। मैंने रिपोर्ट शुक्रवार की शाम को ही 10 बजे लिखा दी थी मैंने, मगर कोई कारोबार नहीं हुई, इसलिए मेरी बेटी की लाश मिली है। हाँ जी, पहले ही करा दिया, दुनिया तो बेइज्जती से डरती है, मैं तो वो भी नहीं डरी। बेटी कोठी, एक कोठी में काम करती थी सुबह से शाम तक, 20 साल। क्या लगता है आपको यहाँ? कुछ नहीं पता लगा भैया, हमें कोई शक ही नहीं हुआ, कोई चीज़ का शक नहीं हुआ कि कैसे हुई है कैसे नहीं। सुबह हमें सूचना मिली कि बच्चे वहाँ खेलने जाते, क्रिकेट खेलने, तो बच्चे आए दो, बोले अंकल जी वहाँ पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई किसी लड़की की। उसी टाइम हम सूरजकुंड थाने से गए तो वहाँ जाके देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी हमें मिली और सभी फिर अफसरों के नॉलेज में जाए, अफसर भी आए और जैसे ही उसके पास हमने देखा तो उसके पास नंबर मिल गया, घर का नंबर मिल गया, उसकी मदर से बात, उसकी सिस्टर से बात हुई, वो लड़की करोलबाग की रहने वाली, आनंद पर्वत में रहती है, तो उसका दिल्ली में करोलबाग में रहती है। और उसके बाद फिर हमने सारी कागज़ कार्रवाई की, उनके इसकी शनाख्त हो गई है, मदर भी है, सिस्टर भी है, रिश्तेदार वगैरह सभी आए हुए हैं, तो अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए हमने डॉक्टर साहब को बोला है। अलीगढ़ में दबिश देने गई पुलिस पर हमला हुआ। सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हमला हुआ और सिविल वर्दी में सिपाही गए थे। हमले में सिपाही बुरी तरीके से घायल हो गए, घायल सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हमला पर सट्टेबाज फरार हो गए हैं। बुलंदशहर में निजी हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर सड़क पर फौजी उतर आए हैं। सड़क पर उतरे फौजी SSP दफ्तर में पहुंचे, जहां रिटायर फौजियों का संघ न्याय की मांग कर रहा है। रिटायर फौजियों की तहरीर के बाद भी सिटी कोतवाली में दर्ज FIR नहीं की गई। रिटायर फौजियों ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। सैनिक सुबेदार रोहतास सिंह, मैंने अपनी माँ को 4 तारीख को मोहल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसको वो अल्ट्रासाउंड के लिए शाम 4 बजे बाहर ले गए और उनको कहीं बाहर छोड़ दिया। मदर वहाँ से, वहाँ क्या नाम है, शान अड्डे पर नाले के अंदर पड़ी हुई मिली, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने निकाला। हम हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, यह इसलिए SP साहब। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस।